नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में, सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़, रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। मंगलवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन स्थल सिधारी एवं मोटी घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगरपालिका एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि सिधारी एवं मोटी घाट पारंपरिक स्थल है, वहां पर तालाब की व्यवस्था करके त्योहार के बाद मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसी को पुनः तालाब बनाकर सुव्यवस्थित तरीके से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्याप्त जगह में तालाब बनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रकाश एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान एवं परेशानी न उत्पन्न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार नदी में प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन के लिए शहर के अलग अलग स्थानों पर तालाब बनाकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद में लगभग 90 स्थानों पर मूर्ति विसर्जन किया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी स्थानों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मूर्ति विसर्जन स्थलों पर उपजिलाधिकारी एवं थाना अध्यक्षों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर वागीश कुमार शुक्ला, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आजमगढ़ विकास कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सुल्तान साहब द्वारा, एसपी साहब द्वारा जॉइंटली इंस्पेक्शन किया गया, नगर पालिका की टीम भी है और बाकी जो भी इसमें जुड़े होते हैं सभी टीम है। तो ये सिधारी में पारंपरिक स्थल है जहाँ पे कि तालाब की व्यवस्था करके त्यौहार के बाद मूर्ति विसर्जन स्थल चयनित किया जाता है। इसी को वापस जो गड्ढा है, मतलब जो तालाब बना के बनाने की कार्रवाई शुरू करी जा रही है और पर्याप्त स्पेस बनाया जाएगा और लाइट और प्रकाश और बाकी सब व्यवस्था की जाएगी, सुरक्षित इसको बनाया जाएगा जिससे किसी भी तरह का किसी को कोई व्यवधान होता है। सर, आजमगढ़ में महीनों भर ये चलती है परंपरा और उसको दृष्टिगत करते हुए आपने कितने घाटों चुना? देखिए, देखा जाए तो पूरे विसर्जन स्थल पूरे जनपद में, अगर शहर में देखना है तो दो हैं। एक तो यहाँ पे एक मटोरी घाट पड़ता है, वहाँ भी अभी देखने हम जा रहे हैं कप्तान साहब, वहाँ भी उसको चयनित करेंगे। पर पूरे जनपद में देखा जाए तो बहुत स्थल हैं, करीब 90 के आसपास स्थल हैं जहाँ पे विसर्जन होता है। तो उन सब पे भी सभी एसडीएम्स को, सीओ साहिबान को और थाना पे निर्देशित कर दिए गए, स्वयं उसको देख के उसको ठीक कर लिया। जो एनजीटी की गाइडलाइंस हैं उसी के तहत नदी में विसर्जन नहीं होगा, जो भी अलग अलग जगह तालाब बना के उसमें विसर्जन होगा। आजमगढ़ पहुंचे आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आजमगढ़ में फ्री बिजली को लेकर आपके प्रस्तावित सम्मेलन को एन मौके पर प्रशासन से अनुमति न मिलने पर संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार आपकी फ्री बिजली की घोषणा को लेकर इतना डर गई जो कार्यक्रम ही नहीं होने दे रही है। इसके अलावा तमाम घटनाओं को लेकर कहा कि मारो और मुआवजा दो इनकी नीति हो गई है। लखीमपुर खीरी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि किसानों को कुचला गया लेकिन न किसानों के घर सीएम को जाने की फुर्सत मिली। मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। बिजली के लिए कोयले की कमी पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए ये दिखाया जा रहा है, जबकि कोयला उत्पादन में देश नंबर 2 पर है, कोल इंडिया कंपनी नंबर 1 कंपनी है। इसके अलावा कोरोना काल में भी कोयले का उत्पादन लगातार जारी था जबकि खपत नहीं के बराबर थी। अब कोयले की कमी को दिखाकर साफ समझा जा सकता है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। संजय सिंह ने कहा कि चाहे लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत का मामला हो, व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी का मामला हो या गोरखपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता का मामला हो, सरकार तानाशाही पर उतारू है। प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों को धरना प्रदर्शन की छूट है और आपको अनुमति नहीं मिलती। लखीमपुर खीरी में जाते समय 56 घंटे प्रशासन ने रोका था। आज आजमगढ़ में भी सभा करने की अनुमति नहीं मिली। ये वही आजमगढ़ है जहां एक रेप पीड़िता महिला न्याय के लिए 4 दिन थाने के चक्कर लगाई और अंत में न्याय न मिलने से जहर खाकर जान दे दी। बिजली के संकट को लेकर प्रदेश की जनता परेशान है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही विधानसभा के चुनाव में आप पार्टी किसी भी दल से समझौता नहीं करेगी। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी तब होती है जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल देता है। इस सरकार में अपराधियों, बलात्कारियों व हत्यारों को खुली छूट है। यहाँ पर जो विकास, शिक्षा, बिजली पर बात करेगा उसके खिलाफ सरकार के इशारे पर पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है। कश्मीर में लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियों के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से लगातार कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं,
उससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस आतंकवाद को रोकने की बात कही थी वो झूठी थी। आप सांसद संजय सिंह को आजमगढ़ में मंगलवार को जनसभा की अनुमति नहीं मिली। पार्टी का दावा है कि अनुमति होने के बावजूद कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि पुलिस की अनुकूल रिपोर्ट न होने से अनुमति नहीं दी गई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जनसभा दोपहर में महाराजगंज थाना क्षेत्र के परशुरामपुर में तय थी। आपके जिला अध्यक्ष राजेश यादव का कहना है कि कई दिन दौड़ाने के बाद प्रशासन ने अनुमति दी, लेकिन सोमवार देर रात अचानक टेंट लगा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। मैं फ्री बिजली के बारे में बात करने के लिए आया था। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री, 24 घंटे बिजली, किसानों को बिजली मुफ्त में और सारे पुराने बकाया माफ़ किए जाएंगे। और जब से मैंने ये कार्यक्रम की घोषणा की है, आम आदमी पार्टी के आयोजन को रोकने के लिए आदित्यनाथ जी की सरकार हर भरसक कोशिश कर रही है, हर स्तर पे उतर के प्रयास कर रही है। अभी कल मैं अंबेडकर नगर में था, वहाँ पे अपने लोगों से काले झंडे दिखवाए, विरोध प्रदर्शन कराया, तिरंगे का भी अपमान किया, उसके ऊपर भी कालिख फेंक दी। आज मैं आजमगढ़ आ रहा हूं तो पता चला कि आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश में बिजली की बात करना अपराध है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो सकता है, रैली सभाएं हो सकती है, जन आशीर्वाद यात्रा हो सकती है, दूसरी पार्टियों का कार्यक्रम हो सकता है, बहन जी की इतनी बड़ी लाखों की रैली हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर बिजली के ऊपर बात करना चाहती है, आजमगढ़ में आके बात करना चाहती है, तो हमारे कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जा रही है। और अपराधियों की तरह हमारे प्रत्याशी सुनील जी के घर पे एक नोटिस लगा दी गई कि अगर आप कार्यक्रम करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वही आजमगढ़ है जहां पर 4 दिन तक एक महिला थाने का चक्कर लगाती रही, उसके साथ हुए दुष्कर्म बलात्कार का मुकदमा नहीं लिखा गया और मजबूर होकर उसको थाने में आत्महत्या करनी पड़ती है। हत्यारों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को खुलेआम घूमने की छूट है, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन अगर आप फ्री बिजली की बात करने आ रहे हैं, शिक्षा की बात करने आ रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा जनता से करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। 56 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया जब मैं लखीमपुर जा रहा था किसानों से मिलने। ये किस प्रकार का तानाशाही का राज आदित्यनाथ जी का चल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों के को कार्यक्रम की अनुमति है, संजय सिंह कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। 17 मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिया आदित्यनाथ जी ने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, अभी भी चैन नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये रवैया प्रशासन को, शासन को, आदित्यनाथ जी को बदलना चाहिए। यहां कोई जंगल का राज नहीं चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मुल्क चलेगा, किसी योगी और मोदी की तानाशाही से नहीं चलेगा। इसलिए ये कार्यक्रम की अनुमति रद्द करना ये पूर्ण रूप से एक तानाशाही है, और आम आदमी पार्टी की जो सकारात्मक राजनीति है वो जनता तक न पहुंचने पाए, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा की बात न पहुंचने पाए, इसको लेके सरकार के अंदर एक बेचैनी है जो साफ तौर पे दिखती है। बहन जी ने भी 3 मिनट हमारे बारे में बोला रैली में, आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में। दरअसल परेशानी क्या है, आज उत्तर प्रदेश बिजली के संकट, बिजली की कटौती, बिजली के बढ़े दामों से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। बनारस के अशोक भारती जो मोची का काम करते थे, उनको आत्महत्या करनी पड़ती है जब उनके घर पे 30,000 का बिजली का बिल आ जाता है। एटा की एक लड़की जब उसके पिता को नोटिस मिलती है बढ़े हुए बिजली के कारण, तो वो एक चिट्ठी लिख के आत्महत्या कर लेती है कि मेरा बाप अपराधी नहीं है। एक किसान अलीगढ़ का जब उसको 1.5 लाख का बिजली का बकाया मिलता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। बिजली के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिजली 2,75,00,000 उपभोक्ताओं का एक बड़ा संकट और सवाल है, और उस पर हम बात कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परेशानी है। आज उत्तर प्रदेश में
जो दो तीन घटनाएं हुई हैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। अजय मिश्रा टेनी का जो लड़का है, उसने किस तरीके से किसानों को रौंद के गाड़ी से कुचल के मारा, मंत्री की गाड़ियों ने किस तरह से किसानों को रौंदा, इसका वीडियो सामने आ चुका है, तमाम साक्ष्य सामने आ चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मंत्री के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी भी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3.5 साल हो गए, उनके मुकदमे की हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। जो लोग न्याय व्यवस्था का इस तरह से माखौल और मजाक उड़ा रहे हैं, अगर वो अपने पद पर बने रहेंगे तो लखीमपुर के किसानों के साथ न्याय नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में मारो और मुआवजा दो की राजनीति चल रही है। मनीष गुप्ता को मार दो, फिर मुआवजा दे दो। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी को मार दो, फिर मुआवजा दे दो। जयप्रकाश पाल बलिया के व्यक्ति को मार दो, फिर मुआवजा दे दो। संजीत यादव को मार दो, फिर मुआवजा दे दो। हाथरस कांड में दुष्कर्म करके हत्या कर दो, फिर मुआवजा दे दो। लखीमपुर में किसानों को रौंद के मार दो, पत्रकार को रौंद के मार दो, फिर मुआवजा दे दो। तो मारो और मुआवजा दो की ये जो राजनीति है बहुत ही खतरनाक है। मारो और मुआवजा दो की राजनीति नहीं, न्याय की राजनीति होनी चाहिए। अपराधी दो चश्मे से नहीं देखे जा सकते। कोई हत्यारा है, वो मंत्री का बेटा हो या कोई आम नागरिक हो, उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक, नंबर एक। नंबर दो, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमसे लोग पूछते हैं आपका वोट बैंक क्या है, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं हमारा वोट बैंक कोई नहीं है। हमारा वोट बैंक 300 यूनिट बिजली फ्री चाहने वाले लोग हैं। हमारा वोट बैंक किसान के फसल का दाम चाहने वाले लोग हैं। हमारा वोट बैंक फ्री पानी, मुफ्त में अच्छी शिक्षा, विश्व स्तरीय प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन सरकारी स्कूलों में शिक्षा चाहने वाले लोग हैं। हमारा वोट बैंक वो नौजवान है जिनको रोजगार चाहिए। तो हम सबके लिए एक ऐसी नीति लेके आएंगे, एक ऐसा मॉडल लेके आएंगे, दिल्ली का केजरीवाल मॉडल, जिसने आज न सिर्फ हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में नाम कमाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। ये काम हमने किया है। उत्तर प्रदेश में लोग हमसे सवाल करते हैं, दिल्ली का बजट 2 करोड़ का है, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ की है, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ की है, वहाँ सारे कार्यक्रम लागू करना आसान था, यहाँ सारे कार्यक्रम लागू करना मुश्किल है। दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ है, उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए है। खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकार की नीयत में कमी है। आज अगर बच्चे स्कूल में नमक रोटी खा रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार है सरकार का भ्रष्टाचार। अगर आज कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन दवाएं नसीब नहीं हो रही हैं तो उसके लिए जिम्मेदार है सरकार का भ्रष्टाचार। अगर आज जल जीवन मिशन में 1,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार है सरकार का भ्रष्टाचार। इसका मतलब आदित्यनाथ जी के सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। तो एक अच्छी नीयत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता चुने, और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ कि इस बार विकास का वोट बैंक बनाइए, शिक्षा का वोट बैंक बनाइए, फ्री इलाज का वोट बैंक बनाइए, फ्री पानी का वोट बैंक बनाइए, अच्छी सड़कों का वोट बैंक बनाइए, फ्री बिजली का वोट बैंक बनाइए, विकास का वोट बैंक, उन्नति का वोट बैंक। जो मुख्य मुद्दा आपका है बिजली का, उस बिजली में आज यूपी गवर्नमेंट के पास या केंद्र सरकार के पास कोयले की ही कमी हो गई है, वो लगा। मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, आपको अपना परिचय दे देता हूँ, मैं आपको एक एक चीज बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए। दो मिनट शर्मा जी पोस्ट करते हैं, एक मिनट में समझिए सर, मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोग जब काम करते थे शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में प्रोडक्शन कम हो जाता था उस पे अधिकारियों की क्लास हो जाती थी। शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, माइंस की बात और पूरे कंपनी की बात तो छोड़ दीजिए। भारत दुनिया का दूसरे नंबर का कोल उत्पादन करने वाला देश है, नंबर एक। भारत की कंपनी कोल इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी कोल उत्पादन कंपनी है, नंबर दो। और कोरोना की महामारी में जब इंडस्ट्रीज बंद थी तब भी कोयले का प्रोडक्शन हो रहा था, कोयले का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और इस बार भी कोयले के उत्पादन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है।
कोयला कोई घर की सुई नहीं है जो खोजने से नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में कोयला है, मध्य प्रदेश में कोयला है, उत्तर प्रदेश के सिंगरौली में कोयला है, झारखंड में कोयला है, बिहार में कोयला है, बंगाल में कोयला है, महाराष्ट्र में कोयला है। कोयले की इतनी खदानें हैं पूरे देश में। तो कोयले की जो कमी का और संकट का और स्टॉक में कमी की जो नौटंकी बताई जा रही है, ये प्रायोजित नौटंकी है। मेरा सीधा आरोप है अपने मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, यह प्रायोजित संकट पैदा किया गया है, यह संकट प्रायोजित किया जा रहा है, संकट नहीं है। मेरे बहुत सारे इंजीनियर दोस्त काम करते हैं कोल माइंस में, अभी का ये बात करा दूं फोन पे, उन सब ने बताया। मैंने कल पूछा सबसे, उनका भाई कोरोना में उत्पादन बंद नहीं हुआ, कोरोना के समय के कोयले का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो स्टॉक कम कैसे हो गया? और जब स्टॉक कम हो रहा था तो आप सो रहे थे, आपको पता नहीं चला? जब 25 दिन का स्टॉक बिजली के लिए रखना होता है, आपको कुछ पता नहीं चला, आप सो रहे थे। तो कोयले का उत्पादन भी बढ़ा है, कोयला इस्तेमाल भी नहीं हुआ, इंडस्ट्रीज बंद थी जब कोरोना काल था, प्रोडक्शन हुआ, और हिंदुस्तान दुनिया का कोयले उत्पादन के मामले में नंबर 2 देश और कोल इंडिया नंबर 1 कंपनी पूरे दुनिया की। अब बताओ इस देश में कोयले के संकट है? आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छता संवाद गोष्ठी का आयोजन मंगलवार को नेहरू हॉल में किया गया। मुख्य अतिथि खेल युवा कल्याण एवं पंचायती राज के राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि पॉलिथीन को नकारें, हॉट बाजार जाते समय कपड़े के थैले का प्रयोग करें, इसके लिए लोगों को जागरूक भी करें। उन्होंने कहा कि गंदगी अनेक बीमारियों की जननी है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें ताकि लोगों को बीमारी से बचाया जा सके। स्वच्छता रखना केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। गांव में बने शौचालय का उपयोग करें, खुले में शौच ना जाएं। मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला ने आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में भारतवर्ष के प्रदेश में स्वच्छता के किए जा रहे कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। खेल युवा कल्याण और पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी ने कहा कि 2 अक्टूबर को देश को पॉलिथीन मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है, इसमें सभी सहयोग करें। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा, जन सहभागिता से ही इसे पूरा किया जा सकता है। देखिए 75वें वर्ष के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर यह अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार द्वारा विभिन्न विभिन्न तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने में केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार जितनी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम और देश की माताओं, बहनों और नौजवानों के सेवा करने में, और उसी परिप्रेक्ष्य में एक कार्यक्रम स्वच्छता अभियान का जो महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस 2 अक्टूबर को था, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पे सरकार ने यह अभियान लिया है कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच जितने हमारे सरकारी प्रतिष्ठान यानी सरकारी विभाग हैं, जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबसे आह्वान है देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का, हम सबका, कि आज़ादी के 75वें साल पे अमृत महोत्सव के अवसर पे पूरे देश से सिंगल यूज प्लास्टिक 75 लाख केजी प्लास्टिक कलेक्ट करना है और उसको रिसाइकलिंग करके राष्ट्र निर्माण के उसमें लगाना है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज स्वच्छता अभियान का आज 12वां दिन है, लगभग जिला यह 18वां 19वां होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आज इस स्वच्छता संवाद का कार्यक्रम आजमगढ़ की धरती पर है और इसलिए हम सब आए हुए हैं। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में। USA, लंदन, बहरेन, UAE सहित देश विदेश में 100 आउटलेट, वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट, सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स
आसिफगंज, पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच, रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।